हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 50। हाँ जी, ये है हमारी वीडियो नंबर 50, जिसके अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। हमने पढ़ा था कल कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ये हमने समझ लिया। उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं। कितने डिसीजंस लेते हैं? 3 डिसीजंस लेते हैं। कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस लेते हैं, डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। हमने समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, आपके पास क्या पड़ा है, कुछ पैसा पड़ा है। अब आपका दिमाग चल रहा है कि यार एक काम करते हैं, ये पैसे को घर पर रखने से तो कोई फायदा नहीं, एक काम करते हैं इस पैसे को कोई जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट के लिए डिसीजन कर रहे हो, यानी कि कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करो, यहां पर इन्वेस्ट करो, यहां पर इन्वेस्ट करो, ये यहां पर इन्वेस्ट करो, दैट इज व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमने अच्छे से समझ लिया। आज हम बात करेंगे इसकी, हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन की। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, सबसे पहले समझते। फाइनेंसिंग का मतलब है कई जगह से पैसे को लेना, कोई जगह से पैसे को लेना, दैट इज व्हाट इज फाइनेंसिंग। जैसे आपको पैसे की जरूरत है तो आप बैंक के पास चलेंगे और बैंक से जाके कहा कि सर मुझे पैसे की जरूरत है। बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, सिक्योरिटी के रूप में आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। आपने कुछ रख दिया, उसने आपको पैसे दे। फाइनेंसिंग का मतलब है कि आप किसी जगह से पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आपको इन्वेस्ट करना है उस पैसे को, ताकि आप उस पैसे से पैसे को बना सके, उस पैसे से कुछ कमाई कर सके, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इसलिए करता है बिजनेसमैन, ताकि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन से सोर्स से उसको फाइनेंस मिलेगा, उसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। और उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। बात करते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। इट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड एनालाइजिंग वेरियस सोर्स। फाइनेंसिंग डिसीजन का साफ साफ मतलब है कि प्रोक्योरमेंट करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब है आइडेंटिफाई करना कि मैं कहां से पैसा लूंगा, क्या मैं इक्विटी शेयर से पैसा लूंगा, क्या मैं बैंक से पैसा लूंगा, उसको एनालाइज करना, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है इट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट। आप देख रहे हैं कि मैं कहां से पैसा लूं, ऑफ फंड किसको ढूंढ रहे हैं, फंड्स को, एंड एनालाइजिंग वेरियस सोर्स, और उसको क्या कर रहे हैं, उन सोर्स को एनालाइज कर रहे, चेक कर रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, क्या भैया इक्विटी शेयर इशू करना बेस्ट है या फिर बैंक से लोन लेना बेस्ट है, उन दोनों को एनालाइज कर, कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, इसमें इंटरेस्ट कम है, अच्छा इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है। तो आप एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद एक जो बेस्ट फंड अवेलेबल है उसको पिक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि जो मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं कि भैया आप यहाँ से भी पैसा ले सकते हो, हमसे भी पैसा ले सकते हो, आप हमसे भी पैसा ले सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि कौन सा बेस्ट सोर्स है किसके लिए, जिससे मैं पैसा ले सकूं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, ये तो बात हुई फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन क्यों करना है, बिकॉज जो भी पैसा मैं लेता हूं, क्या जो भी पैसा मैं लेता हूं उसको बाद में क्या करूंगा, उसको इन्वेस्ट करूंगा। एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक अंबानी है, हमारा मुकेश अंबानी है, इंडिया का बिजनेसमैन, वो क्या कर रहा है, वो बैंक से लोन ले रहा है। क्यों लोन ले रहा है, ताकि वो कोई प्रोजेक्ट पे पैसा लगा सके, ताकि वो कहीं प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सके और उस प्रोजेक्ट से इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कमा सके। इसलिए क्या करता है, फाइनेंसिंग डिसीजन कर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्यों कर रहे हैं, ताकि पैसा लाए हम हमारे बिजनेस में और उसको कोई ना कोई अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम कि फाइनेंसिंग डिसीजन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन में आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे कितने फंड की रिक्वायरमेंट, मुझे कितना पैसे की जरूरत है, ये भी हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन का एक पार्ट है। यानी कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे कितने रुपए चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 500,000 चाहिए, 50,000 चाहिए या 5 करोड़ चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि भैया मुझे कितने पैसे चाहिए, तो वो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में आता है। क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा तब
अगर हम अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भैया मैं कहां से पैसा, तो सबसे पहला आप फाइनेंशियल डिसीजन में क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, नीड है। दूसरा, फ्रॉम वेयर सच फंड्स कैन बी प्रोक्यूर्ड। और दूसरा आप ये करते हैं कि मैं जो फंड से जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट, कितने की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो वो 5 लाख में कहां से प्रोक्यूर करूं, कहां से लूं, उसका अभी आप क्या करते हैं, पता करते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन का कुल मतलब ये है कि आपको पैसे की जरूरत है। अब आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं पैसा कहां से लूं, कौन सा सोर्स बेटर है। जो सोर्स आपने देखे हैं कि भैया मैं इक्विटी से भी ले सकता हूं, मैं लोन भी ले सकता हूं, तो उन दोनों को एनालाइज कर रहे हो और बेस्ट सोर्स को पिक कर रहे हो, वहां से फंड्स को प्रोक्यूर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, बात करते हैं अब कि फंड्स के कौन कौन से सोर्स है, कहां कहां से आप पैसे को ले सकते। ठीक है, तो फंड्स यानी कि पैसा कहां कहां से आप ले सकते हो, दो जगह से आप ले सकते हो। पहला तो हो गया लोन, दूसरा हो गया हमारे शेयर्स। लोन क्या होता है, लोन सबको पता है, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं भी आपको ये बताऊं कि लोन क्या है, फिर भी बता देते हैं, आप छोटे बच्चे हो मेरे लिए तो। ठीक है, तो लोन का मतलब है एक पर्सन जो क्या है, बिजनेसमैन। कौन है ये, बिजनेसमैन। तो ये बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि भैया एक बिजनेस स्टार्ट करें, मेरे को पता है यार भैया यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दिया ना तो मजा आ जाएगा, इसलिए मेरे को क्या पैसे की जरूरत है। तो अभी पैदल पहुंच गया भाई साहब कहाँ पे, बैंक में पहुंचते ही इन्होंने क्या करा, मीटिंग करी किसके साथ, बैंक मैनेजर के साथ एक इन्होंने मीटिंग करी। अब मीटिंग करते ही इन्होंने डिसाइड कर लिया भैया मैं तो बैंक से पैसा लूंगा और बैंक ने उनको पैसा दे, तो ये क्या कहलाता है, हमारा लोन। यानी कि एक पर्सन, एक बिजनेसमैन चाहे तो वो किससे पैसा ले सकता है, बैंक से ले सकता है। एक और पर्सन था हमारा जिसका भी एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, उसको रिक्वायरमेंट थी कुछ पैसे, तो उसने डिसाइड किया कि यार बैंक से तो मैंने लोन ले रखा है, मैं बैंक से लोन ले सकता, तो एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पब्लिक को जो हमारी पब्लिक है जनता, उस जनता को मैं क्या करता हूँ, शेयर्स इशू कर देता हूँ। शेयर्स का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स। तो शेयर्स को मैं क्या कर देता हूँ, वहाँ पे इशू कर देता हूँ, बदले में मैं उनको क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा और वो मुझे बदले में क्या देंगे, कैश देंगे, पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। इक्विटी का मतलब है शेयर्स इशू करना जनरल पब्लिक को, और उनको इशू करने के बाद वो हमको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। यानी कि पब्लिक से पैसा लेना इक्विटी, बैंक से पैसा लेना यानी कि डेट। तो ये दो तरीके के सोर्स होते हैं जहां से हम फंड्स को प्रोक्यूर कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया, अरे बहुत अच्छी बात, यानी फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं दोनों में से एक को ले लूंगा, नहीं, अच्छे से सुनना, नहीं, आप दोनों में से एक को ऐसे नहीं चुन सकते, अकड़ भक्कड़ ढंग में वो नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत डिसीजन है। आपको क्या करना है, इन फैक्टर इफेक्टिंग को यूज करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों सोर्सेस को एनालाइज करना है और सिलेक्ट करना है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कि कौन सा मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट फैक्टर है, अवेलेबल है, बेस्ट क्या है, फंड्स अवेलेबल है। यानी कि आपको एनालाइज करना है इन दोनों को कि इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। हर एक बिजनेस एनालाइज करता है, जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है पैसे की तो वो हमेशा क्या करता है, एनालाइज करता है जो भी सोर्स ऑफ क्या, सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको एनालाइज करता है और सिलेक्ट करता है जो उसके लिए सूटेबल है या फिर जो उसके लिए बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, इन चारों चीजों को यूज करके हम एक एक चीज को एनालाइज करते हैं और सिलेक्ट करते हैं हमारा जो बेस्ट क्या है, सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल है मार्केट में। हम कैसे एनालाइज करते हैं, सबसे पहली बात होती है कि कॉस्ट का मतलब होता है लागत। हम क्या करते हैं कि जब भी हमको रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो हम ऐसा नहीं है कि बैंक में घुस जाते हैं और डायरेक्ट बैंक से लोन ले लेते, बहुत सारे सोर्स अवेलेबल होते, तो हम क्या करते हैं, उन सारे सोर्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि जिस भी सोर्स से मैं पैसा ले रहा हूँ वहां पे कॉस्ट कितनी है, यानी कि वहां पे मुझे कितना रिटर्न देना पड़ेगा, कितना मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसको एनालाइज करना क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसको आप पिक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रिस्क।
कि भैया अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रिस्क है क्या? बिल्कुल, यानी कि अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो इसका मतलब मेरे को तो कंपलसरी देना तो पैसा है ही नहीं, तो इसका मतलब लोन में तो क्या है, हाई रिस्क है। क्या शेयर होल्डर में हाई रिस्क है? यार शेयर होल्डर में तो हाई रिस्क नहीं है, अगर मेरा बिजनेस घाटे में चल गया तो मुझे तो डिविडेंड देना ही नहीं, तो हाँ यहाँ पे लोन से। तो आप रिस्क को भी एनालाइज कर रहे हैं कि जो दो सोर्स है उनमें से सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है और सबसे कम रिस्क किसमें, जिसमें रिस्क कम है वो आप सिलेक्ट कर। पहले में क्या था, जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट है और जिसमें सबसे कम कॉस्ट है, जिसमें सबसे कम कॉस्ट है उसको आप सिलेक्ट कर ले। तीसरा क्या होता है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट का मतलब है कि कैपिटल मार्केट की कंडीशन किस। अगर आपने डिसाइड कर लिया अरे यार एक काम करते हैं, लोन तो है मेरे पास, मैंने बैंक से लोन ले रखा, तो एक काम करते हैं अपन शेयर इशू कर देते हैं, तो आपको पहले शेयर इशू नहीं करना, आपको क्या करना है, कैपिटल मार्केट की कैसी दशा है, कैसी सिचुएशन चल रही भैया हमारी इकोनॉमी की कैसी चल रही है, क्या जो मैं शेयर इशू कर रहा हूँ कैपिटल मार्केट में क्या पब्लिक उसको परचेस करने के लिए लायबल है, क्या पब्लिक उसको परचेस कर लेगी, तो आपको चेक करना है। किसको चेक करना है, कैपिटल मार्केट को चेक करना कि भैया इकोनॉमी में रिसेशन टाइम तो नहीं चल रहा, अगर रिसेशन टाइम चल रहा है और मैंने शेयर इशू कर दिया तो कोई भी परचेस नहीं, जैसे कि आज का लॉकडाउन का टाइम हर एक कंपनी बंद पड़ी है, इससे लिए हर एक कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो घट चुकी है, इसलिए कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है पब्लिक खरीदने के, सब बेचने के लिए इंटरेस्टेड है पर बेचेंगे भी नहीं क्योंकि इतनी कम प्राइस पे कोई बेचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक ही स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट हम चेक करते हैं कि कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी है। अगर कैपिटल मार्केट बूम पीरियड चल रहा है तो हम शेयर इशू करते हैं, अगर बूम पीरियड नहीं चल रहा है रिसेशन चल रहा है तो हम शेयर इशू नहीं करें। तो हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं हमारे कैपिटल मार्केट को, उसके बाद क्या करेंगे हम शेयर्स इशू करें, अदरवाइज हम क्या ले लेंगे बैंक से लोन ले लेंगे। लास्ट एंड फाइनल है कि कैश फ्लो पोजिशन, मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजिशन कैसी, क्या हर साल या फिर हर महीने मेरे पास पैसा आता रहता है। हाँ अगर मेरे पास पैसा आता रहता है तो मैं लोन दे दूंगा, क्योंकि हर मंथ मेरे पास पैसा आएगा और हर मंथ में लोन में क्या दे दूंगा, लोगों को पैसा दे दूंगा। अगर आपका कैश फ्लो पोजिशन कैसी है कि भैया मेरे पास तो साल साल भर में पैसा आता है, साल साल डेढ़ डेढ़ साल में पैसा आता है, तो मैं लोन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक की तो क्या होती है EMI आता है, इंटरेस्ट आता है, उसका इंटरेस्ट मुझे हर महीने पे करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा वो मेरे पे क्या कर देगा, केस कर सकता है या फिर कह सकता है पेनल्टीज लगा सकता है। इसलिए आप क्या चेक करते हैं, आपके बिजनेस की आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजिशन देखते हैं कि मेरा टाइम टू टाइम कितने समय समय में मेरे पास कैश आता रहता है, कितने समय समय में मेरे पास पैसा आता रहता है। अगर मेरे पास ज्यादा ज्यादा पैसा आ रहा है, हर महीने पैसा आ रहा है, तो मैं इंटरेस्ट क्या ले लूंगा, यानी कि लोन ले लूंगा। अगर मेरे पास हर साल पैसा आता है तो मैं क्या लूंगा, इक्विटी शेयर्स को इशू करूंगा। तो ये कुछ क्या होते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं, यानी कि ये कुछ क्या होते हैं, एनालाइज की चीजें होती है, जिससे आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जो भी फंड्स के सोर्सेज हैं उनको और सिलेक्ट करते हैं किसको बेस्ट सोर्स ऑफ फंड, किसको बेस्ट सोर्स ऑफ फंड को, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल डिसीजन। उसी को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन कहा जाता है। सिंपल सा टॉपिक है, कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप, हाँ जी, आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप क्या करते हैं, देखते हैं ये पैसा कहां से, बैंक से लो, इक्विटी से इशू करो, कहां से लो, तो आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं भैया कहां से लो, कौन सा मेरे लिए बेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल रिस्क। पैसे की क्यों जरूरत है वापस बता देते हैं, पैसे की जरूरत इसलिए है क्योंकि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को अपना पैसे को इन्वेस्ट करना है, इस वजह से मुझे पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। आज हमने पढ़ा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्यों हमें करना जरूरी है, क्योंकि इसको करने से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सोर्स है जो फंड का वो मेरे लिए बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। सिंपल, थैंक यू सो मच, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मेरी वीडियोज को देखते रहिए।